हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री का जो चैप्टर 7 है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसका टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक देखेंगे वॉज देयर यूरोपियन रेनेसेंस इन 14th सेंचुरी। तो मैम, जो चैप्टर के जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि जो यूरोपियन रेनेसेंस है वो इस टाइम पीरियड के बीच में है, ऐसे ऐसे है। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो रीसेंट हिस्टोरियंस हैं, रीसेंट यानी कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस हैं, उन सब ने इस थ्योरी को, रिनेसेंस की थ्योरी को, कि एकदम से लोगों में पुनर्जागरण आ गया 14th सेंचुरी के आसपास वगैरह वगैरह, इसको नकार दिया है कि भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एकदम से नहीं हुआ था, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोग्रेस, बहुत पहले से 9th सेंचुरी के आसपास से भी चल रहा था। तो ये सब बातें हिस्टोरियंस ने की। और जो यूरोपियन रेनेसेंस है वॉज देयर यूरोपियन रेनेसेंस, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या यूरोपियन रेनेसेंस था या नहीं, और क्यों नहीं था, और उसके रीजंस क्या थे। ठीक है, तो एक रीसेंट हिस्टोरियन है जिनका नाम है पीटर बर्क। पीटर बर्क फिलहाल 86 ईयर्स के हो गए और 1936 में पैदा हुए थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड के हिस्टोरियन है। तो इन्होंने सजेस्ट किया, तो इन्होंने अपनी थ्योरी निकाली, उसमें बोला कि जो बर्कहार्दत किसको बोल रहे हैं, जैकोब बर्कहार्दत नाम के एक हिस्टोरियन थे, जैकोब बर्कहार्दत, जिन्होंने, मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था इनका नाम अगर आपको याद है तो, इन्होंने रेनेसेंस का जो टर्म है उसे पहली बार यूज, मतलब पहली बार तो नहीं, उसको दूसरी बार मान लो या फिर बहुत बार, मोस्ट टाइम्स इन्होंने यूज़ किया था। सबसे ज़्यादा उस टाइम पीरियड पर इन्होंने एम्फेसिस दिया था रेनेसेंस पे, और अपनी एक बुक निकाल दी थी द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसेंस इन इटली, यानी कि इटली में रेनेसेंस आ गया। तो ये बात इन्होंने अपनी बुक में गई थी, ये इनकी बुक है, और रेनेसेंस पे बहुत जोर दिया था जैकोब बर्कहार्दत ने, 1860 में इनकी बुक आई थी। तो जब पीटर बर्क थे, इन्होंने बोला कि जो टर्म यूज़ किया गया है रेनेसेंस बर्कहार्दत के द्वारा, तो ये टर्म बहुत ही ज़्यादा एग्जरेटिंग है, कि वो बोल रहे हैं कि जो 14th सेंचुरी थी, इससे पहले के लोग जो डार्क एजेस में जी रहे थे, और इसके बाद के लोग एकदम से रेनेसेंस में जाते हैं। तो ये जो शार्प चेंज बताया है, शार्प डिफरेंस, कि इससे पहले के लोग ऐसे थे, उसके बाद के लोग ऐसे, तो ये चेंज गलत है। तो इसको क्वेश्चन किया किसने, पीटर बर्क ने, और तो ये बहुत ही गलत चीज़ करी है किसने, जैकोब बर्कहार्दत ने। फिर उसमें एनसीईआरटी में से रिनेसेंस का मतलब बताया गया है, अगर कोई भूल गया हो तो। रिनेसेंस मतलब क्या होता है, कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस थी, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस, तो जो रोम में पहले से एग्जिस्ट करती थी और ग्रीस में एग्जिस्ट करती थी, तो इनमें बहुत सारी ऊंचाइयाँ हासिल की हुई थी यूरोपियंस ने। तो जब ये ख़त्म हो गई, तो उसके बाद मानते हैं कि डाउनफॉल में चला गया यूरोप। फिर उसके बाद एकदम से ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन में जितनी भी चीज़ें थी इनकी, जो पढ़ी लिखी, उन सबको रिवाइव किया जाता है, और उसे रेनेसेंस बोला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन थी, इस टाइम पीरियड पे जो चर्च था उसका कंट्रोल नहीं था इतना, फिर जैसे ही डाउनफॉल हो गया, इनका ख़त्म हो गया, तो चर्च ने कंट्रोल जमा लिया, और फिर जैसे ही रिवाइवल हो जाता है तो चर्च का कंट्रोल वापस से हटा देते हैं। यानी कि जो चर्च के लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे अड़ंग बड़ंग बातें बोल दी थी, जैसे कि वो अर्थ वाली बात, कि अर्थ इमोबाइल है क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों ने पाप कर दिए हैं, वो भारी बन गई इसलिए वो घूम नहीं पाते, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इन सब बातों को हटा दिया था, चर्च का कंट्रोल हटा दिया था। तो ये सब बातें रेनेसेंस को डिनोट करती हैं, लेकिन रेनेसेंस टर्म यूज़ करना गलत है, पीटर बर्क ने ये बोला। अब उसके बेसिस बताया कि भाई उसने क्यों बोला, रीज़न बताया कि अगर तुम किसी से डिबेट करो, कोई ना कोई रीज़न तो दोगे। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए पीटर बर्क ने ये साबित करने के लिए कि रिनेसेंस का टर्म यूज़ करना गलत है। तो बताया गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कि बहुत सारी वो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हुई हैं, कहाँ पे, इटली में। यानी कि ये कहते हैं कि इटली में 14th सेंचुरी के बाद से रिनेसेंस आया, पहले लोग डार्क एजेस में जी रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे रिनेसेंस से रिलेट किया जा सकता है। यानी कि बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह ऐसे थे जिन्होंने 14th सेंचुरी से पहले ही रिवाइवल कर दिया था इटालियन कल्चर का, जैसे कि 20th और 13th सेंचुरी में कर दिया था बहुत सारे लोगों ने,
रिनेसेंस के काम, तो हिस्ट्री के प्रूफ से 12th and 13th century में भी बहुत सारे ऐसे काम रखे थे। तो एक ये जो शार्प डिफरेंस था रिनेसेंस का, ये गलत हो गया इस प्रूफ पे। फिर एक और प्रूफ दिया गया है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में भी जो 9th century है, 9th century के आसपास कुछ आर्टिस्टिक बूम हुआ था। आर्टिस्टिक बूम यानी कि 9th century में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एकदम से जो आर्ट की फील्ड है इसको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर दिए थे जो कि रेनेसेंस को डिनोट करते हैं। तो वो 9th century में हो गए थे, तुम कैसे कह सकते हो 14th century के बाद ही हुए। तो एक ये और फैक्ट डाल के देते हैं। फिर एक ये बोलता है कि रेनेसेंस में बोला गया है कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है इनकी बातों को ही रिवाइव करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो यूरोप है वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात को भी पीटर बर्ग ने गलत साबित की कि जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है उन्हीं के बेसिस पे जो डेवलपमेंट हुई थी वो नहीं हुई थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक जो बाकी एशिया था, जो एशिया की जो बाकी कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया हो गई, जैसे कि चाइना हो गई और ये हो गया साउथ अरेबिया वगैरह, यानी कि मिडल ईस्ट कह लो तुम, तो ये जो एरिया हो गया इधर भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था और इधर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी कि जो ग्रीक और रोम टाइम पीरियड पर टेक्नोलॉजी थी उनसे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गए थे एशिया वाले लोग। तो बोले कि इस टाइम पीरियड तक तो जो वर्ल्ड था वो कनेक्टेड हो गया था। कैसे कनेक्टेड हो गया था? क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ गई थी नेविगेशन की, यानी कि अब लोग नेविगेशन की नई टेक्निक आ गई जैसे कि सेलिंग, नाव से दूर दूर तक जाना। तो लोग नाव से दूर दूर तक जैसे कि अफ्रीका चले गए एक दिन यूरोप वाले, अफ्रीका नहीं तो उधर चले गए क्या कहते हैं साउथ अरेबिया वगैरह, साउथ अरेबिया पहुंच गए। तो साउथ अरेबिया पहुंच के उन्हें एशिया के लोग मिल गए, मतलब उन्हें इंडिया और चाइना के लोग मिल गए, उनसे बातें कर ली, तो वर्ल्ड कनेक्टेड हो चुका था इस टाइम पीरियड तक। तो अब ये कहना कि सिर्फ ग्रीक और रोमन लोगों की बातों से सीखा है यूरोप वालों ने और सिर्फ उसी पे बूम मिला है तो ये गलत होगा, क्योंकि एशिया और चाइना की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे हमने सीख ली, जैसे कि चाइना की जो प्रिंटिंग थी उससे, और जैसे कि चाइना में जो वो थे क्या कहते हैं फायर कल्चर यानी कि जो तुम्हारी जो गोला बारूद वगैरह हो गया वो सब भी चाइना में इमर्ज हुआ था। तो ये कहना कि सिर्फ ग्रीक एंड रोमन से हुआ था ये चीज़ गलत है, ठीक है। फिर बोला कि एक वर्ल्ड कनेक्टेड तो इसलिए बन गया था क्योंकि न्यू टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन आ गए जैसे कि सेलिंग वगैरह। एक और इस ट्रम में वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया था क्योंकि बहुत सारे न्यू एम्पायर बन गए थे बड़े बड़े, जैसे कि इस्लामिक एम्पायर बना जिसने कि बहुत सारे एशिया के पार्ट पे और थोड़ा बहुत यूरोप के पार्ट पे कंट्रोल करा। तो यूरोप और एशिया कनेक्टेड हो गए तो एशिया के लोगों को सीख लिया बहुत कुछ। और जैसे कि मंगोलिक एम्पायर तो इसने तो बहुत बड़ा एरिया करा था, एशिया का बहुत बड़ा पार्ट और फिर जो यूरोप का था उसका भी बहुत बड़ा पार्ट कंट्रोल करा था। तो एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर दिया। यूरोप का बहुत सारा ऐसा पार्ट था जो कि इनके कंट्रोल में नहीं था लेकिन फिर भी ट्रेड वगैरह कर लेते थे जिसकी वजह से कनेक्शन बना रहता था। तो फिर बोला गया कि उस टाइम पीरियड पे ग्रीक और रोम को ही इम्पोर्टेंस दी, इन सब को इसलिए नहीं दी क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो हिस्टोरियंस थे जो हिस्ट्री लिखते थे वो मेनली यूरोप सेंट्रिक हिस्ट्री लिखते थे, यानी कि वो पूरी वर्ल्ड की बात नहीं करते थे। जैसे कि वर्ल्ड है तो वो ऐसे नहीं देखते थे हमने वर्ल्ड से क्या लिया, वो देखते थे हमने यूरोप में इस कंट्री से ये लिया और उससे डेवलपमेंट हो गई, यानी कि वो यूरोप के बेसिस पे अपनी हिस्ट्री लिख देते थे, पूरी वर्ल्ड को अपने अंडर में नहीं लेते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से एशिया का जो ये डेप्थ है कि एशिया से इतनी सारी चीज़ें ली और उसे हिस्ट्री की राइटिंग्स लिखा भी नहीं गया, वो इसी वजह से है क्योंकि वो यूरोप सेंट्रिक हिस्ट्री लिखते थे। तो ये सारे फैक्ट्स प्रस्तुत कर दिए जो पीटर बर्ग था उसने आर्ग्यूमेंट दे के कि इस वजह से रेनेसेंस को तुम एक शार्प डिफरेंस नहीं बता सकते कि 14th century के बाद ही एकदम चेंज आ गया, पहले तो सब लोग डार्क में रहते थे क्योंकि जो इटली था उसमें 12th and 13th century में रेनेसेंस के बहुत सारे प्रूफ मिले हैं और फ्रांस में 9th century में, और एक ग्रीस और रोम का इकलौता वो नहीं था। फिर बताया गया कि अब रेनेसेंस हुआ तो है यानी कि पुनर्जागरण हुआ है लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ कि 14th century के बाद में हुआ एकदम, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है यानी कि 5-6 century यानी कि 500-600 साल लगे, एकदम रेनेसेंस नहीं आया कि मतलब लोग 14th century में आते ही कल को उठे और बोले कि रेनेसेंस आ गया है, 500-600 साल लगे कम से कम। तो ये सब बातें की गई हैं
तो बोला कि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आए, जैसे कि जो कोई भी बंदा है उसकी दो लाइफ बन गई, प्राइवेट और पब्लिक, दो लाइफ बन गई। तो पब्लिक लाइफ में तो वो अपना गवर्नमेंट का काम करता था, और जो गवर्नमेंट के काम हो गए, ऑफिशियल वगैरह काम वो करता था। और प्राइवेट लाइफ में वो क्या करता था, अपना फैमिली संभालता था, और जो उसका पर्सनल रिलीजन है वो सब फॉलो करता था। कि मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन पब्लिक लाइफ में नहीं आ रहा है, कि कोई भी बंदा हिंदू है तो वो मुस्लिम से लड़ रहा है पब्लिक लाइफ में आके, उसके जो थ्योरी है कि वो हिंदू है मुस्लिम गलत होते हैं, वो अपने प्राइवेट तक ही लिमिटेड रख रहा है, ठीक है। उसे उस टाइम पीरियड पे ये एक बड़ा चेंज आया, ठीक है। फिर बोला कि ये एक बड़ा चेंज ये आया कि पहले ये होता था कि थ्री ऑर्डर हैं, तो तुम कोई भी बंदे हो, तुम्हें अपनी ऑर्डर से पहचाना जाता था, कि तुम्हारा नाम ये है तो तुम कलर जी के बंदे हो, तो तुम्हें कलर जी से पहचाना जाएगा। तुम ऐसे कोई भी इंसान हो, मान लो एक्स वाई जेड, तो तुम्हें ये तुम्हारे नाम से नहीं जानेंगे, तुम्हें पीजेंट बोलेंगे कि तुम तो थर्ड ऑर्डर के लोग हो, ठीक है। तो और कोई लॉर्ड है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, तो उसे एक्स वाई जेड से नहीं बोलेंगे, उसे जानेंगे किससे, उसके पोजीशन से, जो कि लॉर्ड है सेकंड ऑर्डर। कोई प्रीस्ट है उसे भी ऐसी फर्स्ट ऑर्डर से जानेंगे। तो पहले लोगों को ऑर्डर से जानते थे कि ये इस ऑर्डर का बंदा है, ये इस ऑर्डर का बंदा है, ये इस ऑर्डर का बंदा है। लेकिन अब क्या जानने लग गए, पर्सन के नाम से जानने लग गए, कि एक पर्सन के खुद के राइट्स होने लग गए, कि मैं ये पर्सन हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर पहले क्या होता था, जो आर्टिस्ट को गिल्ड से जाना जाता था, कि आर्टिस्ट का एक गिल्ड है, ग्रुप है कुछ 10-15 आर्टिस्ट का, तो उनको उनके नाम से जाना जा रहा है। कि जैसे कि आज के टाइम पे मान लो जोमेटो वाले, मान लो जैसे जोमेटो वाले हैं, कि 10-15 बंदे हैं, मान लो कि 10-15 बंदे डिलीवरी करते हैं, तो तुम उन्हें जोमेटो वाला करके बोलते हो। लेकिन कल को मान लो वो एक अकेला बंदा हो और वो डिलीवरी करना है, तो तुम उसे उसके नाम से बोलोगे। तो वही सिस्टम होने लग गया, आर्टिस्ट को उसके गिल्ड से, उसकी कंपनी से नहीं जानते थे, उसको उसके अकेले नाम से जान लग गए, क्योंकि उसका अपना काम अच्छा करने लग गए थे, ठीक है। जैसे कि लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी एक आर्टिस्ट थे जिसे तुम उनके नाम से जानते हो, उनका कोई गिल्ड था या नहीं था तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो ये एक चेंज आया था रिनेसेंस में। और फिर बोला गया कि जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी आते आते ये जो चीज़ें थी कि जो आर्टिस्ट है वो अकेला है, थर्ड ऑर्डर के लोग बोलने लगे कि हम भी पर्सन है, हमारे ऑर्डर से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, तो ये सब जाके चेंज हो जाती हैं राइट्स मांगने में, पॉलिटिकल राइट्स मांगने में। कि जो पहले राइट्स नहीं होते थे लोगों के पास इतने, आप पॉलिटिकल राइट्स के लिए फाइट करने लग गए लोग। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो फ्रांस है, फ्रांस में मैंने बताया था लुईस 16 के टाइम पे एक वो असेंबली बिठाई जाती है, एस्टेट जनरल नाम की मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें कि टैक्स चेंज करने के लिए मीटिंग होती है, कि सब ऑर्डर वाले लोग खुश है कि नहीं। तो तीन ऑर्डर थे ना, तो मान लो पहला है कलर जी, दूसरा है नोबिलिटी, तीसरा है पीजेंट। तो ऐसे बोला जाता था कि 300 लोग फर्स्ट ऑर्डर के आएंगे रिप्रेजेंटेटिव बन के, 200 300 लोग इसके आएंगे, और 300 लोग इसके, 600 लोग इसके आएंगे, और इन सब के पास एक एक वोट होगा। ऐसा नहीं है कि 300 बंदों के पास एक एक वोट है, पूरा ऑर्डर जो है इनका, फर्स्ट ऑर्डर उसका एक वोट है, सेकंड ऑर्डर उसका एक वोट है, थर्ड ऑर्डर उसका एक वोट है। तो पॉलिटिकल राइट्स पूरे ऑर्डर वाइज होते थे, लेकिन अब पर्सन वाइज की जो पहचान थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी रिनेसेंस में। तो लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये सिस्टम गलत है, हम सबके अकेले अकेले राइट्स है, तो हम सबको एक वोट दो, कि 300 वोट इसके हों, 300 वोट इसके हों, 600 वोट इसके हों, अलग अलग काउंट हो। तो ये सब चेंज लाने की बात हुई हिस्ट्री में, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो खत्म हो गया यूरोपियन रेनेसेंस के बारे में जो बताया है। उसके बाद एक आखिरी लाइन दी गई है कि यूरोप जो था उसमें एक अलग डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पीरियड पे, कि जो अलग अलग रीजन्स थे वो अपनी डिमांड उठाने लग गए थे सेपरेट कंट्री के लिए, सेपरेट आइडेंटिटी के लिए। जैसे कि जो फ्रांस नेशन था उसमें सब लोग फ्रेंक बोलते थे तो फ्रांस कंट्री बना ली, तो जो इंग्लैंड था उसमें सब लोग इंग्लिश बोलते थे इंग्लिश बना ली, फिर जैसे कि जो आयरलैंड है उधर आयरिश बोलते थे तो उधर आयरलैंड बन गया, फिर जैसे कि जो जर्मनी है उधर जर्मन बोलते थे तो जर्मनी बन गया। तो ऐसे बहुत सारी बातें उठती हैं अलग अलग लैंग्वेज के लोगों की, अलग अलग लैंग्वेज की कंट्री बनाने के लिए, लैंग्वेज बेसिस पे कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बोला कि जो यूरोप पहले यूनाइटेड था रोमन एम्पायर के अंडर में, वो अब बिखर चुका है कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है।
और इस वीडियो से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।